हेलो माय सेल्फ सावन नटवर। अभी तक हमने 8.3 पढ़ लिया था, आज 8.4 स्टार्ट करते हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम वीडियो में करेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू ओनली किसके लिए होती है, जीरो से थीटा के जीरो वैल्यू से 90 डिग्री तक की वैल्यू तक के लिए। ओके तो देखो साइन को हमें कॉट के पदों में चेंज करना है। साइन बराबर क्या होता है, 1/cosx a। कोसेक्स को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखिए कोसेक्स स्क्वायर टेगा इधर क्या लग जाएगा, हमें कोट के पदों में चेंज करना था, हमें चेंज कर दिया राइट। देखना नेक्स्ट सेक क्या है, सेक को किसके पदों में चेंज करना है, कोट के पदों में। तो सेक क्या निकलता है देखो यहाँ से, सेक क्या है अभी यहीं से देखते हैं हम, सेक थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं सेक को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ए के पदों में से रूट ऑफ 1 प्लस इसको क्या कहते हैं हम, 1 अपन कोट कहते हैं और इसका इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कोट का यहाँ ए। देखना एलसीएम हो गया अपने यहाँ पर, एलसीएम कितना आएगा कोट स्क्वायर ए, कोट इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों का रूट अलग अलग लिख सकता हूँ मैं, और ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। स्क्वायर से रूट करके नीचे ऊपर क्या बच गया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोट, हमने चेंज करते हुए किस में चेंज कर दिया, कोट में नहीं पूछा था हमसे, हमने कोट में चेंज कर दिया। नेक्स्ट जो थर्ड दिया हुआ है, थर्ड जो पूछा है वो देखना ए तो डायरेक्टली होता है ना, मैंने अपन को डायरेक्टली उसका उल्टा होता है वन अपन को, तो ये हमने कोट के पदों में चेंज कर लिया, बहुत इजी था क्वेश्चन। बस आपको ये तीनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। देख लो नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के सभी एलिमेंट्स ओवरऑल एलिमेंट्स से ए के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो पहला क्या होता है साइन, साइन बराबर क्या होता है देखना यहीं से देखो, साइन बराबर क्या होगा यदि मैं यहीं से देखता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा। तो यहाँ से साइन के लिए क्या जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखना तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर 1 अपॉन sec ए के लिए निकालना है तो ए आएगा सब जगह, एलसीएम ले लेंगे हम sec स्क्वायर ए माइनस 1 इसका भी लग जाएगा रूट, तो इसका भी अलग सही लग जाएगा, स्क्वायर से रूट नीचे वाला भी लग जाएगा, ऊपर वाले का sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec। ये वैल्यू हमने सेक में चेंज कर दी। नेक्स्ट निकालते हैं कॉस को भी सेक में चेंज करना है, फर्स्ट तो हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बराबर तो डायरेक्टली क्या होता है, टेन को भी चेंज करना है, टेन ए देख लो यहाँ से अपने टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं यही से, वन उधर चल जाएगा तो sec स्क्वायर ए माइनस 1 रूट रख देंगे sec में चेंज हो गया, cot a cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है तो 1 अपॉन tan ले सकते हैं,
और 10 की वैल्यू क्या है पास में रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन सेक को सेक करते हैं सेक को सेक में क्या चेंज करेंगे और सेक्स साइन की वैल्यू को जस्ट उल्टा कर देंगे साइन के लिए क्या है रूट ऑफ वन अपॉन साइन कह सकते हैं इसको साइन के लिए क्या है था रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक सेक ए ऊपर चला जाएगा तो सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन आंसर सेक में चेंज कर दिया सारी वैल्यू जितनी भी थी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्रू दिया है वैल्यू फाइंड कीजिए मान निकाली है कि वैल्यू निकालनी है हमें साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री देखना हमें वी नाउ दैट हम जानते हैं क्या जानते हो आप देखते हैं देखना हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा राइट साइन थीटा थीटा की वैल्यू क्या 63 तो यहाँ पे साइन 63 को हम फाइंड कर रहे हैं तो कोस 90 माइनस 63 तो साइन 63 की डिग्री की वैल्यू क्या निकल जाएगी कोस 27 डिग्री सारे डिग्री में देखू तो साइन 63 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस 63 लिख सकते हैं ना तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 नीचे वाले को भी कोस को साइन में चेंज कर सकते हैं एक और चीज होती है कि साइन स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा तो कोस 17 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 70 ओवरऑल डिग्री में तो साइन 73 बचेगा तो कोस 73 की जगह साइन 73 लिख सकते हैं ना तो साइन 73 प्लस कोस स्क्वायर 70 हम एक चीज और जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है सेम है तो यहाँ पर भी तो थीटा की वैल्यू सेम दिख रही है तो ऊपर भी साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/1 आंसर कितना आ जाएगा इसीलिए आया होगा पहले किसमें चेंज किया हमने हम जानते थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा और साइन थीटा बराबर क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा से स्टॉप करने दोनों को चेंज कर लिया किसी भी एक से और हमें ये भी पता चल रहा है कि ओवरऑल एडिशन जो देखोगे आपको कितना आ रहा है 90 तो डायरेक्टली हम चेंज कर सकते हैं अपने 8.3 में ये सीखा था नेक्स्ट सीधा पार्ट सेकंड देखना क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड जो दिया हुआ है हमारे इधर रखा है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री देखना इनकी वैल्यू फाइंड करनी साइन 25 अपन हम वही चीज जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा 25 की जगह क्या रखते हैं कोस 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा 65 तो साइन 25 की जगह लिख सकते हैं और एक और चीज होती है कोस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा तो कोस 25 की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 कोस 25 की जगह साइन 65 लिखेंगे देखना तो यहाँ लिख देते हैं कोस 65 मल्टीप्लाई बाय कोस 65 प्लस साइन 65 मल्टीप्लाई बाय साइन 65 देखिए ना कोस को कोस से मल्टीप्लाई करें कितना देगा कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन का भी स्क्वायर 65 डिग्री हमने अभी जस्ट देखा था कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कब होता है जब थीटा की वैल्यू सेम हो या थीटा की वैल्यू सेम है 65 तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आंसर कितना जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आपको पता चल ही गया होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो काफी इजी है ना, देखो इसमें ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 9a - 9a² क्या होगा। a जो वैल्यू दे रखी है 1, b जो दे रखी है वो 9, c 8 और d 0 दिया होगा। तो देखना सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें 9 कॉमन आ रहा है sec स्क्वायर a माइनस n स्क्वायर। देखना यहाँ पीछे लिख रहा हूँ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हो देखते हैं, हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। अब देखना यहाँ से मैं 1 की वैल्यू लिखा, ये उधर जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू सेम है, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है ए ए है, इक्वल है। अब देखना sec स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, राइट, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखना सबसे पहले क्या करो, इजी बनाने के लिए tan को sin अपन cos के फॉर्म में चेंज करो, और अपन cos थीटा होता है सभी को पता होगा, ये फर्स्ट वीडियो में देख लिया हमने, इसको कहते हैं cos थीटा अपन sin थीटा माइनस 1 अपन sin थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एलसीएम क्या आएगा इधर cos थीटा cos थीटा से मल्टीप्लाई करेगा, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो होगा sin थीटा cos थीटा माइनस, हम इन दोनों में देखना जस्ट मल्टीप्लाई का चीज नहीं, जब देखे रहते करो इन दोनों में हमने क्या करा, देखना इन चीज को मान लिया a, ये a है मेरा, ये क्या है लेट्स यानी माना, ठीक है ये a हो गया b, हमने एक चीज जानते हैं क्या जानते हैं कि a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू है a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला लग रहा है, तो a की वैल्यू क्या है cos cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय नीचे का स्क्वायर तो sin थीटा रहेगा, तो sin थीटा cos थीटा। देखना मैं ऊपर की चीज रफ कर रहा हूं, ये चीज समझ में आ रही है आपको, तो ये क्या बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। देखना लिख रहा हूं a की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, आगे भी चले सकते हैं मल्टीप्लाई में माइनस 1 डिवाइड बाय sin थीटा cos थीटा। हम एक चीज और जानते हैं sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख रहा है, इसकी जगह क्या कर दिया 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। देखना 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा ऊपर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, sin थीटा sin थीटा कैंसिल cos थीटा cos थीटा, क्या बच गया सेकंड ऑप्शन नंबर, ऑप्शन दिया हुआ है a बराबर 0 b बराबर 1 c बराबर 2 और d बराबर माइनस 1, तो हमें पता चल गया c बराबर 2 आंसर आएगा, राइट इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, sin a में ये तो चेंज कर सकते हैं sin cos में 1 अपॉन
साइन है अपॉन कोसाइन और वन माइनस साइन ऐसे करने से क्या रहेगा कोसाइन क्या बच जाएगा वन प्लस मल्टीप्लाई बाय वन माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी का वर्गमूल बन रहा है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए का स्क्वायर माइनस अपॉन क्या बोल दिया वन देखना वन माइनस इसको वन माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन हम एक चीज जानते हैं क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है वन तो यहां से मैं कॉस स्क्वायर थीटा के लिए निकाल सकता हूँ ना वन माइनस साइन स्क्वायर ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ निकल रहा है उसकी जगह क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ए एक आंसर है तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा स्क्वायर से वो कट गया तो क्या बच गया कॉस ए ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन ए दिया था sec a sin a cos x और cos a तो हमारा आंसर क्या है cos a ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका लास्ट इजीली समझ लेते हैं इसको काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्वेश्चन नंबर 10 में सी क्या है देखना हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू तो हमें क्या पता होना चाहिए साइन टेन को क्या कहते हैं डायरेक्टली कहें तो वन प्लस हमें पता है वी नो दैट क्या पता है आपको देखते हैं हम जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सिक्स स्क्वायर थीटा और वन प्लस फोर स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है और सिक्स स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिख देता हूँ वैल्यू sec स्क्वायर थीटा ऊपर वाले वैल्यू ऊपर दिख रही नीचे वाले वैल्यू नीचे दिख रही sec को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन cos और इसको वन अपॉन sin जो कि sec थीटा बराबर क्या होता है वन अपॉन cos थीटा होता है ये मैं एक्सरसाइज वन में पढ़ा था और cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन अपॉन sin स्क्वायर sin sin ये वैल्यू तो ऊपर चली जाएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा यानी साइन कितने बार है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अलग अलग लिख सकता हूँ साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन टेन थीटा थीटा होता क्या वैल्यू ए में दे देगा तो सब जगह थीटा की जगह क्या कर लेना ए कर लेना ये a तो ये भी 10 10 a मल्टीप्लाई बाय 10 a क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a ऑप्शन देख लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें ऑप्शन दिया हुआ है sec स्क्वायर a माइनस 1 cot स्क्वायर a और 10 स्क्वायर a ऑप्शन नंबर अब नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होगा ओके okay?